सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम कोरसर कोठार गांव स्थित यहां पर झरगवा टोला के यहां पर एक खलिहान में यहां पर रामविलास उर्फ रिचिंका केवच की जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल बताई जा रही है, उसकी निर्मम हत्या की गुत्थी को पुलिस ने यहां पर जो है पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा और साथ यहां पर SDOP आशीष जैन और पूरा जो है थाना प्रभारी जो है शेषमणि पटेल के यहाँ पर सक्रियता से हत्या का 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे कार्रवाई की जा रही है। ये 22 तारीख को शाम को 6 बजे ललिता प्रसाद केवर जो पिपरी छांदा टोला के रहने वाले हैं, इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके पिता हैं रामविलास केवट, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, वो खून से लथपथ हालत में जंगल की तरफ पड़े हैं, जहां पर पप्पू जायसवाल का खलिहान है। पुलिस को जब जानकारी मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी चितरंगी SDOP चितरंगी मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा जानकारी दी गई। इसके बाद SP साहब के निर्देश पर मैं भी वहां मौके पर गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की जानकारी ली, लगातार कुछ संदेहों से पूछताछ की। कुछ ऐसे संदेही थे जो उसके करीबी थे, मित्र थे, वो घर से भाग गए थे, उनसे पूछताछ की, उनसे भी जानकारी ली गई। अंततः पुलिस के लगातार प्रयास के बाद SP मैडम लगातार इसकी समीक्षा कर रही थी, मैं भी वहां मौके पर मौजूद था। समीक्षा के बाद फिर ये जानकारी निकल के आई कि एक होतीलाल सिंह गौड़ है, जो घटनास्थल के पास में ही करीब 100 मीटर पर उसका घर है, उससे मृतक का विवाद हुआ था, मृतक उसको गाली गलौज कर रहा था। ये जानकारी तो लगी थी पुलिस को कि मृतक दारू के नशे में था और थोड़ा सा गाली गलौज करता रहता था दारू के पीने के बाद पर, उसके परिजनों ने भी और यार दोस्तों ने इस बारे में बताया था। तो होतीलाल को जब वो गाली गलौज कर रहा था, उसकी माँ बहन की गालियां दे रहा था, तो होतीलाल से उसका विवाद हो गया, विवाद में धुआं झटकी हुई, धुआं झटकी के बाद उसने होतीलाल ने उसको थप्पड़ भी मारा और उसके बाद उसकी कुल्हाड़ी जो लिए रहता था मृतक, वो गिर गई थी। मृतक की कुल्हाड़ी से ही होतीलाल ने मृतक के सिर पर वार किया, जिसके कारण से आई चोटों से मृतक की मौत हो गई। होतीलाल को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस अंधी हत्या का खुलासा करने में चितरंगी SDOP TI चितरंगी और चितरंगी थाने से जो अधिकारी रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। सबको पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।